हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित में। दोस्तों, आप कंपटीशन का स्टूडेंट हो या फिर क्लास का स्टूडेंट हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर आसानी से घर बैठे बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉयस को देखने वाले। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर वॉयस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले टेंस को कंप्लीट करें। जब तक आप टेंस को कंप्लीट नहीं करेंगे, वॉयस को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले आप टेंस का जितना सारा वीडियो हमने अपलोड किया है, प्लीज उसे जाकर देखें और टेंस को अच्छी तरह से कंप्लीट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नया है और आपको लग रहा है कि चैनल पर बने रहकर आप कुछ सीखने को मिल जाए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस का दूसरा काइंड, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका वॉयस। तो क्या देखने वाले हम लोग? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉयस, जो कि पास्ट टेंस का दूसरा काइंड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉयस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉयस। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि आप बहुत पहले ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी टेंस वाला वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज बेयर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसका एक्टिव मेक सेंटेंस देखते हैं। जो भी सेंटेंस दोस्तों इसका होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो एक्टिव में होगा, लेकिन हम यहाँ पर इसका पैसिव देखेंगे, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉयस को पढ़ना है। और वॉयस के कितने काइंड होते हैं वो हमने फर्स्ट वाला वीडियो में ही देखा था। वॉयस के दो काइंड, एक्टिव वॉयस और पैसिव वॉयस। तो इसका जो सेंटेंस होगा वह एक्टिव में होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ही वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक। ही वाज रीडिंग अ स्टोरी बुक। ही वाज रीडिंग अ स्टोरी बुक। दोस्तों, क्या सेंटेंस किस में है? एक्टिव में। यह सेंटेंस किस में है? एक्टिव में। यहाँ पर देखा जाए तो यह क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यह प्रिंसिपल वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ नहीं है तो आप केस में जाए, केस वाला सभी वीडियो को देखें। केस यानी कारक। आप समझ जाएंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। और यहाँ पर वाज हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग प्रिंसिपल वर्ब। अगर आपको वर्ब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और प्रिंसिपल वर्ब होता है, तो आप सबसे पहले वर्ब को कंप्लीट करें, यानी वर्ब के पूरे वीडियो को देखें जो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ, रीडिंग प्रिंसिपल वर्ब हुआ, स्टोरी बुक ऑब्जेक्ट हुआ। और इसका जब पैसिव बनता है, तो हमने पहले ही बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। उसके बाद बीच में कुछ चेंज होता है, जो हर टेंस में कुछ अपना अलग अलग चेंजिंग है, बस उसी को हम याद रखते हैं। बाद बाकी सब सेम, एक ही जैसा चेंज होता है जो पहले से करते आ रहा है। तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम इसी तरह आपको बनाकर समझा रहे हैं। फिर आगे हम इसके न्यू स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो कि पैसिव फॉर्म में होता है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, और ही जब ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हिम बनकर आएगा।
इसको भी हमने पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म को, जिसे सब्जेक्ट के जब ऑब्जेक्ट के रूप में बदलता है तो किस तरह मतलब चेंज होकर के आता है, तो ही ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो जाएगा। इसके बाद ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेता है। ए स्टोरी बुक है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेंगे तो यहाँ पर ए स्टोरी बुक ही आकर लगेगा, ए स्टोरी बुक, ए स्टोरी बुक। बीच में यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है, वाज बीइंग रीड रीड बाय हिम। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना, और यहाँ पर ये क्या है, भी थ्री है, उसके बाद बाई लगा है और ई वाज बीइंग। तो इस तरह से पैसिव में बन करके यह होगा। हमें यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई क्या दे रहा है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बेयर प्लस वी फोर को, वाज बेयर प्लस वी फोर को बदला जा रहा है वाज बेयर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगता है जो पहले से हम लगाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या दिखाई दे रहा है कि वाज बेयर प्लस वी फोर को किस में बदला जा रहा है, वाज बेयर प्लस वी थ्री में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज बेयर प्लस वी फोर को वाज बेयर प्लस बीइंग प्लस वी थ्री में बदला जाता है, बस इतना ही सा चेंज होता है। तो हमें बस यही एग्जाम्पल लेकर के हमने देखा, तो इसका न्यू स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जो पैसिव फॉर्म में होगा, अभी हम आपको लिख रहे हैं, न्यू स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, जो कि कौन है, होगा मेरा पैसिव का स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। न्यू स्ट्रक्चर कहने का मतलब पैसिव का, और ऊपर में जो था स्ट्रक्चर हमने लिया था ऊपर में, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, इसको देखा है तो यह एक तरह से इसको एक्टिव भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरह से एक्टिव भी बोल सकते हैं। जितने भी सेंटेंस में हम होते हैं वो एक्टिव में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट के द्वारा काम होता है। तो यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर होगा मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहने जो कि पैसिव है फॉर्म है, तो सब्जेक्ट कहने का मतलब ओल्ड ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर हमने इसको लिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ओल्ड ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग, BEING बीइंग बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या, ओल्ड सब्जेक्ट, ओल्ड सब्जेक्ट कहने का मतलब सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बना कर लेते हैं वो, प्लस अदर। तो इस तरह से ये मेरा न्यू स्ट्रक्चर हुआ, यानी अब इसका मेन पॉइंट याद रखें जो हम इसको इसमें चेंज करते हैं। अभी हमने तुरंत ऊपर में बताया वाज बेयर और प्लस V4 को किस में चेंज करते हैं, वाज बेयर प्लस बीइंग प्लस V3 में, बस इतना ही सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, बाद बाकी जो पहले से हम करते आ रहे हैं बस वही रूल लागू होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब हम इसका दो तीन एग्जाम्पल लेंगे ताकि आप उस एग्जाम्पल को देखकर इसको अच्छी तरह से एक्टिव से पैसिव बनाने का मतलब सीख सके या समझ सके। और हम कहना चाहेंगे कि आप कोई भी ग्रामर का बुक उठाए और वॉयस चैप्टर में जाए, और वहाँ पर जितना भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस दिखाई दे रहा है उसको एक्टिव से पैसिव में बदल ले। इस तरह करने से होगा कि आप वॉयस को, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉयस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बस जितना ज़्यादा सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप की समझ बढ़ेगी,
और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा कि किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का वॉयस यानी एक्टिव से पैसिव बनता है। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल को से सेंटेंस को लेते हैं, उसके बाद उसको पैसिव बनाते हैं। दोस्तों हम पहला सेंटेंस लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। ही वॉज ईटिंग ईटिंग अ मैंगो। ही वॉज ईटिंग अ मैंगो। दोस्तों यह सेंटेंस किस में? एक्टिव में। यह सेंटेंस एक्टिव में है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट हुआ, वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ, ईटिंग ए प्रिंसिपल वर्ब हुआ और ए मैंगो ऑब्जेक्ट हुआ। दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। उसके बाद अभी हमने ऊपर में देखा है कि वाज बेयर प्लस वी फोर को किस में बदलते हैं, वाज बेयर प्लस बींग प्लस वी थ्री में। तो यहाँ पर वाज दिया हुआ है, देखते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। सब्जेक्ट को कहाँ ले आते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में बदल करके आएगा। यहाँ पर ही था, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ए ही का ऑब्जेक्ट हीम होता है। हमने वॉयस के दूसरे वाले वीडियो में, शायद पार्ट टू में, हम उसी में सबसे पहले इसका चर्चा किया है कि इस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म का। तो आप उस वीडियो को देख करके याद कर लें, जैसे ही अ सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हीम हो जाएगा, आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, बी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट अस हो जाएगा, ही सब्जेक्ट हर, सी सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। वहाँ पर हमने पूरे लिस्ट को लिखा। तो ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो ही सब्जेक्ट है, ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो हीम बनकर के आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो ए मैंगो है तो सब्जेक्ट के स्थान पर ए मैंगो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा है कि वाज बियर प्लस वी फोर को किसमें बोलते हैं? वाज बियर प्लस बींग प्लस वी थ्री में। तो यहाँ पर वाज है, ईटिंग है मैंगो, तो यहाँ पर हो जाएगा वाज बीइंग ईटेन। और दोस्तों आपको पहले से बता दें कि हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, बाद बाकी चेंज बस इसमें इतना ही होता है। तो ही वाज ईटिंग ए मैंगो तो ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय हिम। ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय हिम, यह किस में हो गया? पैसिव में। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो कि एक्टिव में था पैसिव में बन करके हो जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, सी वाज वेक्सिंग मी। सी वाज वेक्सिंग मी। वेक्स मीन्स होता है परेशान करना। सी वाज वेक्सिंग मी मतलब वह मुझे परेशान कर रही, तंग कर रही। दोस्तों यह सेंटेंस किस में? एक्टिव में। यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं। सी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है और वेक्सिंग प्रिंसिपल वर्ब है। पैसिव बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो यह ऑब्जेक्ट के रूप में बदल करके हर हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा मेरा? ऑब्जेक्ट। पहले जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तो यहाँ पर मी है, मी जब ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो मी सब्जेक्ट के रूप में बदल करके आई के रूप में हो जाएगा, यह सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हमने देखा है कि वाज बियर प्लस वी फोर को किसमें बदलते हैं, अभी तुरंत देखा, वाज बियर प्लस वी फोर को वाज बींग प्लस वी थ्री में। तो यहाँ पर वाज वेक्सिंग है तो आई के अनुसार तो वाज ही लगेगा, तो आई वाज इसके बाद बींग, आई वाज बींग वेक्स्ड वी एक्स इट वी थ्री में। वाज बियर प्लस बींग प्लस वी थ्री बोलता है आई वाज बींग वेक्स्ड और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं तो आई वाज बींग वेक्स्ड बाई हर।
जो कि किस में बन करके आ गए, पैसिव में, पैसिव में। दोस्तों एक्टिव में था सी वाज वेक्सिंग मी और पैसिव में आई वाज बीइंग वेक्स्ड बाय हर। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉयस हम बनाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉयस को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।